अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक रानीस किचन। कैसे आप लोग? उम्मीद अच्छे होंगे। अल्लाह ताला से ही दुआ करते आप लोग खुश रहे, आबाद रहे। आज हम चिकन का स्किन बनाएंगे, कैसे बनाएंगे वही आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मैंने एक चिकन का स्किन ले लिया पूरा। कैसे लिया अगर वो वीडियो चाहिए साफ करना तो मैं सिखा सकती हूँ, बता सकती हूँ। तो मैंने एक स्किन का, एक मुर्गा का एक स्किन ले लिया पूरा, और थोड़ा सा प्याज ले लिया, तो मीडियम साइज का प्याज लिया मैंने। इसको मैंने बहुत अच्छा से साफ कर लिया। तो गैस पर मैंने कढ़ाई रख दी, यहाँ पर बड़े चम्मच से 2 चम्मच मैंने तेल डाल दिया, प्याज को डाल दिया। अच्छा से भूनूंगी थोड़ा सा सॉफ्ट होने तक। प्याज अगर अच्छे से सॉफ्ट हो जाने के लिए कुछ करना है तो थोड़ा सा नमक डाल सकती हूँ, तो जल्दी से ये सॉफ्ट हो जाएगा। तो मुझे ज़्यादा भुनना नहीं है, थोड़ा सा ही सॉफ्ट करना है। तो इसी टाइम मैंने स्किन डाल दिया पूरा। अच्छी तरह मैं इसको भुनूंगी, बहुत अच्छा से भुनना पड़ता है इसको। थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया स्किन भी मेरा, देखिए कितना तेल निकल आया। स्किन में बहुत ऑयल रह होता है, इसीलिए बहुत तेल निकल के आता है। इसी टाइम मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल दिया, 1.5 चम्मच डाला, 1.5। तो अच्छी तरह मैं भूनूंगी। अदरक लहसुन का भी कच्चापन निकल जाएगा, तब तक मेरा स्किन भी अच्छा से सॉफ्ट हो जाएगा, अच्छा से भुन जाएगा। इसी टाइम में थोड़ा सा जीरा धनिया का पाउडर डाल दिया 2 चम्मच मैंने। लाल मिर्ची डाला 1/2 चम्मच मैंने। हल्दी का पाउडर डाल दिया, थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक। पहले भी मैंने नमक डाला था प्याज में, इसीलिए देख के डालना है। तो अब मसाला के साथ स्किन को अच्छा से भूनूंगी, बहुत अच्छा से भुनना है इसको। थोड़ी देर में इसको ढक के भुनूंगी। देखिए कितना सुंदर दिख रहा है अभी से। तो अब मैं और थोड़ा सा भुनूंगी, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के 2-3 बार मैं इसको अच्छी तरह भुन लूंगी। थोड़ा सा पानी डाल दिया, गैस को मैंने मीडियम टू लो कर दिया। अच्छी तरह मैं इसको पकाऊंगी, भुनूंगी। कितना ऑयल निकल आ रहा है, स्किन में बहुत ही तेल होता है, इसलिए बहुत ज़्यादा ही तेल निकलता है। और थोड़ा सा मैंने पानी डाल दिया, अच्छा से भुनूंगी। 2-3 बार इसी तरह पानी डाल के इसको भुनना है। कलर कितना अच्छा आ रहा है। कभी कभी ऐसा होता है ना, मन करता है कि इस चिकन नहीं खाऊंगी, तो इसका स्किन बहुत अच्छी तरह बना के खा सकती हूँ। तो इसी टाइम में थोड़ा सा तेज़पत्ता और 4 इलायची मैंने डाल दिया। अब इस टाइम थोड़ा सा और पानी डाल दूंगी, फाइनल पानी। मुझे जितना ग्रेवी सही उतना ही डालूंगी। 10 से 12 मिनट में इसको पकाऊंगी अच्छी तरह। मेरा ग्रेवी लगभग रेडी है। अब इस टाइम मैं गरम मसाला डाल दिया, बहुत अच्छा से फिर से मिला दूंगी इसको। जितना भुनूंगी उतना ही टेस्टी होता है ये। फाइनली मेरा ग्रेवी रेडी हो गया, इतना अच्छा दिख रहा है। तो अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। लीजिए मेरा ग्रेवी रेडी है, चिकन का स्किन का जो बनाया हमने ग्रेवी, वो कितना अच्छा दिख रहा है। तो कैसे लगा आपको ये वीडियो? अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना। तो आओ मैं याद रखना, फिर मिलते हैं नए रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।